नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं हूं अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए हम ले चलते हैं आपको निकटवर्ती मालीपुरा गांव में, जहां पर ग्राम पंचायत की उदासीनता और अड़ियल रवैये से लोगों के बुरे हाल हैं। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है और चार दिन बाद हरियाली अमावस्या का मेला भी है। जल मिशन योजना के तहत डाली गई पाइप, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ खड्डे बने हुए हैं और पूर्व में लगाए गए फुटपाथ पर ब्लॉक्स लगे हुए थे वो भी निकाल कर साइड में रख दिए। आप देख सकते हैं ये सामने ढेर लगा हुआ है। जल मिशन योजना के तहत ठेकेदार ने तो अपना काम कर लिया और फुटपाथ पर जो ब्लॉक्स लगे हुए थे वो निकाल कर साइड में रख दिया और पाइप लगा कर निकल गया। उसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं मोटरसाइकिल सवार से। पूर्व में भी दो युवक आमने सामने टकरा गए थे। कल भी ताराराम माली और उनकी वाइफ गिर गई। लोगों ने बताया कि डेयरी के पास में जो पानी जाने का रास्ता है वहाँ पर जल मिशन योजना के तहत पाइप डाली गई और फिर बिपरजॉय का बारिश आ गया, उसके बाद में दूसरी बारिश आई जिससे खड्डा बढ़ गया और आमने सामने होने की वजह से कई बार वाहन चालकों को पता नहीं होता है, अंधेरा होता है, उनको लगता है कि सड़क है और सीधे नीचे गिर जाते हैं। हम इस बात की लोगों से बात ही कर रहे थे कि हमें तो समाचार मिले कि उसी जगह पर एक ट्रैक्टर पलटी हुआ है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां जाकर देखा कि एक ट्रैक्टर पलटी हो गया है। हालांकि पानी की वजह से जो खड्डा बन गया था उसमें मिट्टी डलवाने का काम और मेले को देखते हुए सरपंच पीराराम ने तुरंत काम शुरू करवाया। उस खड्डे पर मिट्टी डलवाने का काम हो रहा था। ये देखिए, ये जो जगह दिखा रहे हैं हम आपको, ये वही जगह है जहाँ पर मिट्टी डालकर काम शुरू किया था। और जब हमने मौके पर जाकर देखा तो वह ट्रैक्टर स्वयं सरपंच का ही था और सरपंच काम करवा रहे थे और ट्रैक्टर पलटी हो गया। आनन फानन में जेसीबी बुलाया गया और जेसीबी की सहायता से उस ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। हालांकि हादसे में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ, लेकिन लोग जरूर परेशान हैं। आप देख सकते हैं ये वही टर्न है मालीपुरा का जहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये पिछले समय जल मिशन योजना के तहत जो पाइप डाली गई है उस पाइप का जो खड्डा खोदा था, इस वजह से टर्निंग पे समझ में नहीं आता, रात के अंधेरे में भी समझ में नहीं आता है। अब देखिए जेसीबी की सहायता से इसको उठाया जा रहा है। ये जो खड्डा है ये खड्डा समझ में नहीं आता और इसी वजह से हादसे हो रहे हैं, खास करके जल मिशन योजना के तहत यहाँ पाइप डाली गई है और फिर बाद में बारिश आने की वजह से पूरी खाई बन चुकी है। पूरे एरिया में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। जेसीबी की सहायता से उसको निकाला जा रहा है। और फिर डॉक्टर बोला हमें खराब क्या थोड़ी थोड़ी है डॉक्टर बोला। मैं ट्रैक्टर का ड्राइवर है, क्या नाम है तेरा? बरबाराम। ये ट्रैक्टर किसका है? पीराराम सरपंच का। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर स्वयं सरपंच का है और आज दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। इससे पहले भी यहाँ हादसे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्राराम माली है। हमारे ये रास्ते में बहुत हादसे होते हैं। कितने अभी एक एक दो नाम बताइए आप, किसका किसको एक दो नाम बताइए किसका किसका लगे अभी? कई लोगों के यहाँ पे हादसे हुए हैं इस टर्निंग में मोटरसाइकिल वजह से। मोटरसाइकिल वगैरह हमारे आम रास्ता स्कूल का रास्ता है और इस बीच में कुछ ताराराम और उसको भी लगा था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।